A wire in the form of tightly wound solenoid is connected to a DC source. ठीक है, तो वायर जो है सोलेनोइड की तरह और डीसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है बैटरी से, एंड कैरीज अ स्टेडी करंट आई. स्टेडी मतलब करंट जो चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, जो करंट चेंज नहीं होते उनकी वजह से इंड्यूस करंट नहीं होता. ठीक है, इफ द कॉइल इज स्ट्रेस्ड सो दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द सक्सेसिव एलिमेंट्स. हमने सोलेनोइड को थोड़ा सा फैला दिया तो उनके बीच में गैप्स हो गया, सक्सेसिव छल्लों के बीच में एलिमेंट्स ऑफ द स्पाइरल कॉइल. क्या बोला फिर से, इफ द कॉइल इज स्ट्रेस्ड सो दैट देर आर गैप्स बिटवीन सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ द स्पाइरल कॉइल, मतलब स्पाइरल कॉइल के बीच में गैप्स हो गए, क्या करंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एक्सप्लेन करना है. विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सप्लेन. पहले हमारा करंट है जितना भी आई है, क्या फैलाने से सर्किट में करंट कम होगा ज्यादा होगा, लेट अस सी. देखो ज्यादा कम की संभावना क्या है, अगर करंट इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इसको अपोज करेगा, सुनो, लेकिन अपोज तब करेगा जब ये करंट खुद इंक्रीज हो रहा हो, या रेजिस्ट करेगा जब ये करंट खुद डिक्रीज हो रहा हो. पर बोला क्या गया, डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स कैसा करंट कैरी करता है, स्टैटिक. उन्होंने खुद बोला भी है कि इट्स अ स्टेडी करंट, क्लियरली बोला है ना, इफ डीसी सोर्स. तो यहां पे हमें देखना है कि क्या करंट इंक्रीज होगा सर्किट में कि डिक्रीज होगा. अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपने यहां से यहां गए छल्ले फैला दिए, फैलाने की वजह से क्या हुआ, छल्ले बिल्कुल कस के पास में थे तो फ्लक्स जो था करंट की वजह से, मैं दिखाता हूं आपको कैसा दिखता है. ये मान लीजिए आपकी कॉइल है, तो आपने करंट छल्लों में बनाया तो फ्लक्स तो अंदर होगा ना, ऐसे ऐसे होगा. लेकिन अगर आपने छल्लों को गैप्स दे दिए तो होगा क्या, फ्लक्स अब लीक कर जाएगा, कुछ फ्लक्स बाहर लीक कर जाएगा, और लीक करने का मतलब यह हुआ कि फ्लक्स डिक्रीज होगा. इवन दो आपका करंट स्टेडी था, पर आपने छल्लों में को फैलाने की वजह से छल्लों के बीच में गैप्स कर दिए, उस गैप से फ्लक्स लीक कर जाएगा, और जब फ्लक्स लीक करेगा तो लेंजेस लॉ तुरंत आ जाएगा. फ्लक्स कैसे लीक कर सकता है, अरे फ्लक्स लीक करेगा तो मेरे अंदर करंट आ जाएगा, मुझे तो अपोज करना है इस करंट, इस लीक को, तो वो इस लीक को रोकेगा, इस फ्लक्स की कमी को रोकेगा. ओके, फ्लक्स की कमी को रोका कैसे जा सकता है, खुद करंट इंड्यूस कराकर, जो फ्लक्स की कमी को रोके, एड करे. तो अगर आई से कुछ रिलेटेड फ्लक्स था जो कम हो रहा था, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा जो इसी आई में थोड़ी इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि देखो अगर जितना अगर कुछ आई है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ फ्लक्स है, लीकिंग की वजह से हो गया फ्लक्स कम. ये आई कम नहीं हुआ, पर लीकिंग की वजह से फ्लक्स कम हो गया, तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हम इसी आई में एक एक्स्ट्रा आई इंड्यूस कराएं ताकि फ्लक्स में बढ़ोतरी आ जाए और फ्लक्स वैसी का वैसा रहे. सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज इंक्रीज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इवन दो इट वाज द डायरेक्ट करंट, इवन दो करंट वॉज स्टेडी, इवन दो करंट वॉज नॉट चेंजिंग, बट ड्यू टू द गैप्स इन द सोलेनोइड फ्लक्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग, और फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से लेंजेस लॉ ऐसा करंट इंड्यूस करता है जो फ्लक्स के डिक्रीज को रोके. फ्लक्स डायरेक्टली कैपिटल आई जो हमारा बैटरी का करंट था उस पर डिपेंडेंट था. अगर हम फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो तभी बढ़ा सकते हैं जब हम इस आई में करंट ऐड करें. तो इंड्यूस करंट कैसा होगा, ऐसा जो हमारे सोर्स करंट में एडिशन करेगा, तो इसलिए करंट सर्किट में इंक्रीज हो जाएगा. लेट्स राइट दैट जो मैंने बोला है. Due to gaps, the flux leaks. Flux leaks. Hence, according to Lenz's law, a current is induced. Current is induced to resist this decrease in flux due to leakage. Decrease in flux due to leakage. ध्यान रखना, वो leakage को नहीं रोक सकता, लेकिन एक current पैदा कर सकता है जो उतना ही leakage जो हो रहा है या उसके आसपास flux हमें वो वाला current दे दे. This decrease in flux due to leakage. Hence, this current aids यानी कि support aids the source current.
दस द करंट इंक्रीजेज इन सर्किट, ये आपका आंसर है।